कहानी की शुरुआत एक नोट से होती है। 10 अज्ञात व्यक्ति एक सुंदर और सुनसान द्वीप पर बुलाए जाते हैं। इन लोगों को निमंत्रण पत्र प्राप्त होते हैं, जिनमें उन्हें यह बताया जाता है कि वे एक शानदार सप्ताह का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। निमंत्रण पत्र के पीछे एक रहस्यमय आकर्षण और उत्सुकता का समावेश होता है, क्योंकि ये लोग अलग अलग जगह से होते हैं और एक दूसरे से अज्ञात होते हैं। जब ये लोग द्वीप पर पहुंचते हैं तो उन्हें यह पता चलता है कि उनके मेजबान वहां मौजूद नहीं हैं। द्वीप पर एक बड़ा शानदार घर होता है और वहां एक रिकॉर्ड प्लेयर होता है जो एक खौफनाक गीत बजाता है। इस गीत में एक कविता होती है जो बताती है कि इन 10 लोगों की मौतें किस प्रकार होंगी। कविता के अनुसार एक एक करके लोग मारे जाएंगे। जैसे ही रात होती है पहला व्यक्ति मारा जाता है। सभी लोग भोजन के बाद आराम कर रहे होते हैं जब अचानक एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। यह हत्या अजीब और रहस्यमय तरीके से होती है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं और एक अजीब डर का माहौल बन जाता है। हत्याओं का क्रम कविता के अनुसार ही होता है और यह पता चलने पर कि कविता में क्या लिखा है, लोगों में संदेह और अविश्वास पैदा हो जाता है। हर हत्या के बाद बचे लोग संदेह की प्रक्रिया में आते हैं। वे एक दूसरे पर शक करने लगते हैं और हर एक की भूतपूर्व घटनाओं और व्यवहारों को देखते हैं, सोचते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अतीत की कहानियां सामने आती हैं, जिनमें से कई लोगों ने अपने जीवन में किसी न किसी अपराध को अंजाम दिया होता है। हर व्यक्ति का एक अपराध है जिसे उन्होंने छुपा रखा होता था और अब उन्हें लगता है कि ये अपराध उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। यह सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है कि उनके अतीत के अपराधों का हिसाब उन्हें इस द्वीप पर ही चुकाना होगा। जैसे जैसे हत्याएं होती जाती हैं, समूह में अराजकता फैलती जाती है। लोग अपने विश्वास और भय के बीच फंसे होते हैं, जिसमें हर कोई किसी भी समय हत्यारा बन सकता है। हर हत्या के बाद कविता के अनुसार एक निश्चित संख्या में लोग मारे जाते हैं और इसके साथ ही द्वीप पर तनाव और अविश्वास बढ़ता जाता है। हत्याओं की प्रक्रिया इतनी जटिल होती है कि लोगों को एक दूसरे पर और ज़्यादा संदेह होता है। जब अंततः सभी लोग मारे जाते हैं तो केवल एक व्यक्ति बचता है। यह व्यक्ति भी अपने आप को बचाने में सफल नहीं होता। इस प्रकार सभी 10 लोग मारे जाते हैं और कहानी का रहस्य पूरी तरह खुल जाता है। कहानी के अंत में यह खुलासा होता है कि हत्याएं एक सुनियोजित योजना की हिस्सा थी। हत्यारोपी ने अपनी योजना को इतनी सूझबूझ से लागू किया कि हर व्यक्ति को उसकी गलती का एहसास हो और अंत में उसका खुद का अंत हो जाए। हत्यारोपी ने इस प्रकार अपने शिकारों को सजा देने की योजना बनाई थी और यह योजना पूरी तरह से सफल होती है।